सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। रतन जी, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। जो राम भद्राचार्य कह रहे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, वह खुद अस्पताल पहुंच गए। जो राम भद्राचार्य भक्तों को कहते थे कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद अस्पताल के बेड पर पड़े हैं। राम भद्राचार्य को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके सीने में भी कुछ तकलीफ होने की खबर है, जिसके बाद उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें देहरादून एयरलिफ्ट करने की बात भी सामने आई। लेकिन उसके बाद से ही राम भद्राचार्य के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। रतन जी, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओ। अब लोग सोशल मीडिया पर राम भद्राचार्य की खिल्ली उड़ा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या औरों को हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह देने वाले राम भद्राचार्य खुद ही हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते थे जो वो बीमार हो गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राम भद्राचार्य तो राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, पीएम मोदी के साथ बातचीत करते हुए उनके वीडियो सामने आए थे, ऐसे में वो फिर भी बीमार कैसे पड़ गए? क्या उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने और मंदिर जाने का लाभ नहीं मिला, या फिर चमारों को नीच कहने वाले राम भद्राचार्य किसी तरह का पाप कर रहे हैं जो उन्हें इस तरह से सजा मिल रही है? जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। चमारों को नीच कहने वाले राम भद्राचार्य दृष्टिहीन भी हैं, यानी वो देख नहीं सकते। उनके दृष्टि बाधित होने को लेकर पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि ईश्वर ने आपको किन बुरे कर्मों की सजा दी। दरअसल हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा अगले जन्म में ही भुगतनी पड़ती है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं ये साफ कर दूं कि द न्यूज भी दृष्टि बाधित लोगों का सम्मान करता है और हम ये मानते हैं कि स्पेशली एबल्ड लोग किसी से कम नहीं है और उनसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन राम भद्राचार्य जैसे लोग इसे इंसान के कर्मों से जोड़कर पाखंड को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के नाम पर सब कुछ छोड़ देने को कहते हैं, लेकिन जब वो खुद बीमार होते हैं तो मंदिर नहीं जाते बल्कि अस्पताल में जाते हैं। ये कहना कि मंदिर चले जाने से आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये कोरी कल्पनाएं हैं, ये पाखंड है, ये झूठ है। आप बीमार हो रहे हैं, आप देखिए सीधे सीधे ये एक सबूत है कि राम भद्राचार्य बीमार हुए मंदिर में जाने के बावजूद। लेकिन जब बीमार हुए तो वो अपने इलाज के लिए मंदिर नहीं गए हैं, वो राम मंदिर में जाकर नहीं बैठ गए कि मैं तपस्या करूंगा या मैं प्रभु राम की पूजा करूंगा, आरती उतारूंगा, उनकी अगरबत्ती जलाऊंगा, उनके सामने दिया जलाऊंगा, या मैं फूल चढ़ाऊंगा, या मैं कोई कीर्तन करूंगा। ये सब करते हुए वो नजर नहीं आए, बल्कि राम भद्राचार्य ने कहाँ का रुख किया? अस्पताल का। अस्पताल में कौन होते हैं? डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करते हैं? दवाई देते हैं, यानी कि वो दवाई और डॉक्टरों के भरोसे ही अपने इलाज की व्यवस्था कराने पर यकीन रख रहे हैं। अगर उनमें इतनी ही श्रद्धा है, इतनी उनकी आस्था है और उन्हें इतना ही अपने ऊपर यकीन है, तो अब उनको मंदिर चले जाना चाहिए, वहीं पर जाकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वही तो लोग सिखाते हैं कि भाई जो मंदिर चला जाएगा तो फिर बीमार ही नहीं पड़ोगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अमीश देवगन ने ऐसे ही किसी बाबा के प्रवचन को दोहराया था कि जो मंदिर चला जाएगा वो तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, लेकिन राम भद्राचार्य बीमार हो गए हैं, अस्पताल पहुंच गए हैं, सीने में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये साबित करता है कि जब आप बीमार होते हैं तो मंदिर काम नहीं आते, मस्जिद काम नहीं आती, आपके धार्मिक डेरे, आपके ये सब काम नहीं आते। काम आता है अस्पताल, काम आते हैं डॉक्टर, काम आते हैं इंजेक्शन, काम आती हैं गोलियां, काम आती हैं तमाम तरीके के मेडिकल इक्विपमेंट, यानी उन्हीं के भरोसे आपकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। अगर नहीं तो फिर ऐसे तमाम लोगों को जो धार्मिक कर्मकांड में ही रहते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप इन्हीं के भरोसे रहिए, तो उन्हें भी जब बीमार होते हैं तो अपने मंदिरों में ही जाना चाहिए, अपने मठों में जाना चाहिए, अपनी मस्जिदों में जाना चाहिए, अपने गिरजाघरों में जाना चाहिए और अस्पतालों में डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। ये ज़रूरी बात हो जाती है कि हम इस बात को समझें कि कैसे पाखंड के जरिए लोगों को बरगलाया जाता है। आस्था अपनी जगह, आप अपनी आस्था किसी में भी रखें, वो आपकी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि कोई मंदिर जाएगा तो बीमार ही नहीं होगा, ये इस देश में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला काम है। भारतीय संविधान कहता है कि हमें भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाना है, यानी कि सभी में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहिए, लोग अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलें और वैज्ञानिक सोच को अपनाएं।
ये हमारे संविधान की एक हमारे ऊपर कर्तव्य है, वो हमको कहता है कि हमको ऐसे नागरिक बनाना है। लेकिन जब एक राष्ट्रीय मीडिया का, एक इतने बड़े चैनल का एक एंकर ये कहे कि टीवी पर बैठकर वो ये कहे कि मंदिर चले जाएंगे तो बीमारी नहीं होंगे, इससे समाज में गलत संदेश जाता है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा कि हरिद्वार में एक महिला अपने बच्चे को लेकर जाती है और वो उसको पानी में कुछ मिनट के लिए डुबाए रखती है। बाद में ये खबर आई कि उसको कहा गया था कि वो गंगा स्नान में अपने बच्चे को इस तरह से रखेगी तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, और फिर उस बच्चे की मौत हो जाती है। ये पाखंड और अंधविश्वास से कितना नुकसान हो जाता है, आप इस उदाहरण से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पाखंड और ये अंधविश्वास आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए जब भी बीमार हो, जब भी कोई इस तरह की बात हो, तो आप डॉक्टरों पर यकीन करें, जो डॉक्टरी जांच होती है उस पर भरोसा करें। आप ये झाड़ा लगवाना, झाड़ फूंक करवाना या भभूत ले लेना या जो ताबीज़ है वो बनवा लेना या मंदिरों में या बाकी धार्मिक जगहों पर चले जाएं, इससे आपका भला नहीं होगा। कोरोना में आप सबने देखा कि जब देश मुश्किल घड़ी में था तो तब सब मंदिर मस्जिद सारे के सारे जो धार्मिक जो डेरे हैं, जो घर हैं, वो बंद हो गए थे और सिर्फ अस्पताल ही चालू थे, सिर्फ जो डॉक्टर ही थे वही जो हैं फ्रंट पर लड़ रहे थे और लोगों की जिंदगियां बचा रहे थे। यानी हमें वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए और ऐसे पाखंड से दूर रहना चाहिए। रामभद्राचार्य जैसे जो व्यक्ति जो मंच पर बैठकर कहते हैं कि आप सब कुछ हरि पर छोड़ दीजिए, उन्हीं के भरोसे चाहिए, तो उनसे सवाल फिर पूछा जाएगा, उनसे ये जायज सवाल पूछा जाएगा कि आप जब बीमार हो रहे हैं तो आपकी पीड़ा अपने आप क्यों दूर नहीं हो रही, आपके पास दिव्य शक्तियां हैं तो आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर पा रहे, आप क्यों जो हैं आप मंदिर की जगह अस्पताल जा रहे हैं, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।